यहाँ हमारा हित होगा ही होगा एक बार, दूसरी बात क्या है, यहाँ हित ही होगा अहित नहीं होगा। साइड इफेक्ट और आफ्टर इफेक्ट कुछ नहीं है, इलाज है। राहत धर्म इलाज है, जैसे बुखार का इलाज होता है, खांसी का इलाज होता है, ऐसे ये मानसिक चिकित्सा है। जिन मंदिर का मानसिक रोगों का इलाज है, देखो मोह से होने वाला दुख ज्ञानाभ्यास से ही मिटेगा, उसकी उपाय है नहीं, दुनिया में इसकी कोई और दूसरी दवा नहीं। इलाज हम आपको अपना मानकर के दुखी हो गए, अब क्या उपाय क्या करें, कुछ नहीं, अपना मानना छोड़ दो। टूटो मंजी का मोदी को जिंदा माने कोई, उसको खिलाना चाहे खिलाना चाहे बुलवाना चाहे नहाना चाहे धुलाना चाहे, ये कोई उपाय माने ये तुम्हारे साथ झूठे उपाय, तो क्या करें कि मुर्दे को मुर्दा मान करके उसका संस्कार करो और अपने काम करो, समझ गए, मुर्दे को मुर्दा मानकर संस्कार कर दो उसका और अपने काम में। रामचंद्र जी लक्ष्मण के मानने को तैयार है, लेकिन क्या उपाय अंत में बना, अंत में यही उपाय बना कि संस्कार किया स्वयं दीक्षा धारण कर। मोह से होने वाले दुख को दूर करने के लिए और कोई उपाय नहीं है, एक ही उपाय है, मोह को तोड़ो और आत्मा से उपयोग जोड़ो। क्रोध से होने वाला दुख दूर करने का उपाय क्षमा ही है और कुछ नहीं। हम क्षमा नहीं करेंगे तो क्या करो, क्या बिना कहा हुआ हो जाएगा, बिना किया हुआ हो जाएगा, और किसने कहा क्या कहा ये तो बता पहले, किससे कहा, जिसने कहा है वह नहीं है और जिससे कहा है वह तुम नहीं। बच्चों बच्चों जैसी लड़ाई है, तुम बीच में फटे मिटांगे तो खेलने लगेंगे, खुदगर को अपना मानने के कारण तुम्हें ये लगा हमारा तिरस्कार है, हमसे ऐसा कह दिया, हमारी इज्जत हो गई, हमारा अनादर हो गया। अरे तुम हो कौन पहले ये तो बता, क्या हम आत्मा हैं, अरे ऐसे शब्दों की आत्मा, आत्मा का अनादर होता नहीं। कुंदकुंद स्वामी ने क्या लिखा नियम साहब ने, आत्मा में मानापमान के स्थान नहीं, आत्मा को जो समझे जाने पहचाने वह मान का पात्र है, सम्मान का पात्र है। आत्मा को जाने बिना पग पग पड़ कौन, विचार करो तुम्हें पशु के रहने वाला कौन हो, कौन है तुम्हारा पढ़ना परिणाम सुधार, पशु गति में तीन गति में नहीं जाओ। मान के होने वाले दुखों के दूर करने का उपाय मान का अभाव ही है और कुछ नहीं। जैसे वैद्य के समीप रोग के अभाव के लिए आते हैं, यहां भी राग द्वेष के अभाव के लिए आते बंदे तरगुण लब्ध है। एक भाई मोच भाई बोला नींद नहीं आ रही, हमने कहा पूजा तो तुम करते हो नींद ना आने वालों की, और तुम कह रहे नींद नहीं आ रही, अरे नहीं आ रही स्वाध्याय कर आ जाए, ये आलस्य के काम छोड़ो,
नींद क्यों नहीं आ रही मालूम हम बता दें पूछ लेना ये डॉक्टर बैठी शरीर थका नहीं बटन दबाया पानी भर गया बटन दबाया मशीन चल रही शरीर में थकान तो कुछ आई नहीं और मन में टेंशन ई जा रहा आदमी अब नींद कहां से आ रहा शरीर को थकने दो मन को विश्रांत तो होने दो बनी जाती कि नहीं ये नींद की निरापद बोली है अगर नींद नहीं आती तो तुमने पूजा की तो बिना नींद वालों की ही है भगवान को तो कभी नींद नहीं आती नींद नाम का दोष ही नहीं होता भूख नहीं रहती भगवान को तो कतई नहीं रहती तुम वैसे ही ऊपर ऊपर कह रहे हो भगवान है हमें भगवान बनना अनेक भूख कम हो गई तो चिंता में पड़ गए अरे भैया भूख को नहीं लगती नहीं लगने दो लग आएगी चिकित्सा शास्त्र भी देखें तो ज्यादा खाने वाले जल्दी मरते कम खाने वाले नहीं कम खा और कम खा वैसे भी स्वास्थ्य विज्ञान का ये नियम है कि भूख है उससे थोड़ा कम खा मुंडाजाओं का नियम क्या है आधा पेट भोजन चौथाई पेट पानी और बात बाकी के लिए रहने दो काम आए करनी जाके सो थोड़ी आना तुम्हारी तरह खाली रखते ही नहीं जाएगी कहां अब छूट छूट के ही खाओगे तो नींद तो नहीं आएगी पेट तो खराब होगा ये कोई उपाय नहीं है कि हम सही तो शिथिल हो गया भूख कम हो गई और हम उतना ही खाते हैं वैसे ही दौड़ते हैं ये कोई उपाय नहीं स्वीकार करो स्वीकार करना माने स्वयं के आश्रय से स्वीकार करो खाली ऐसे ही नहीं स्वीकार भूख घटेगी शक्ति घटेगी रोशनी घटेगी आंखी अब तुम थोड़ा पढ़ लो जो पढ़ा सुना है उसका चिंतन मन करो वैद्य के पास जाएंगे रोग के अभाव के लिए और भगवान के पास आएंगे रात की पूर्ति के लिए रात के अभाव के लिए और रात के अभाव में मोह और द्वेष अंतर कर रहे हैं मंदता तीव्रता धनानुराग विषयानुराग ये सब समझ नहीं आ रहा ये समझो राजी मन तीव्रता वाला जीव तो धर्म का सुनने का समझने का फर्क रही है राजी मंदता हो सच्चे उपदेश का योग बने तो कुछ हो सकता है और तो आपकी तीव्रता अब तुम मन बैठी हमारा की तीव्रता नहीं मनता है हम सिद्ध करेंगे आपको तीव्रता है कि मनता है यहाँ आया अगर रात की मनता है तो कौन मनता जो मिलता सुई खा लेंगे जो मिलता सुई पहन लेते कभी विचार करते हो इतना ही बहुत है सोचो कुछ समय था जी वाले कह रहते तुम लोग नकल समय सारा दुतरम की सगर नकल नकल या समाता ने पाता जैसे भी अन्य कोई उपाय है ही नहीं ये है जो है वर्तमान वाचक नहीं है सरकार वाचक है कांदी का छेड़ाला तीन लोग तिरकाल मान नहीं तीनों लोगों में और त्रिकाल में कोई सुकारी दूसरा है नहीं न सम्यक समम किंचित त्रय काल्यम त्रय जगत त्रयम श्रेयो श्रेय च मिथ्यात्व सम नानक अनुष्ठान
आचार्यों की बात हो या विद्वान की बात हो, बात तो एक ही है। हम भेद करते हैं, ये हमारी मूर्खता है। आचार्य सामंत बस तीन लोग की बात कर रहे हैं, सर्वज्ञ हैं। और तुमने कहा समझ लो, सर्वज्ञ का बीटा छोटा सर्वज्ञ होता है, सर्वज्ञ का बीटा छोटा सर्वज्ञ होता क्या नहीं? सेठ जी के बेटे को सेठ कहेंगे, राजा के बेटे को राजा कहेंगे, राजा साहब कौन साहब? तो सर्वज्ञ के बेटे को क्या कहोगे? अरे सामान्य और विदेश का भले अंतर करो, बात हुआ कि उन्होंने तीन काल में कोई भी पदार्थ कार्य नहीं, और तीनों काल में नहीं हुई। समित के बिना चीज सुखी हो नहीं सकता कभी। दस लक्षण वर्णो सदा, किसकी वर्णना रह गई इसमें? जो वंदनीय है उन्हीं की वंदना रह जाएगी, जो वंदनीय है उनकी सबकी वंदना इसमें आ गई। दस लक्षण वर्णों सदा, ये परमार्थ विनय है। अगर इसको हम कहेंगे तो ये परमार्थ व्यवहार इसका क्या है? दस लक्षण के धारकों की विनय, विनय माने यथा योग्य प्रतिपत्ति। विनय माने खाली हाथ जोड़ना नहीं, तुम्हारे हाथ में ये तो शरीर है। यथा योग्य प्रतिपत्ति, अंदर में उत्साह होना, जिज्ञासा होना, विश्वास होना, ये सब विनय के अंग है। तुम्हें विश्वास ही नहीं है अपनी शक्तियों पर, अपने सुख पर विश्वास ही नहीं। बहुत लोग ऐसा मन में बैठा रहता है, कहते तो कम है, बिना करे काम थोड़े हो जाए, करने तो पड़े और पढ़ेंगे होता कर दिया पर। अब ये बता, दोनों बातों में कौन सी बात सच्ची है? दो तो सच्ची नहीं हो, एक और कहते जाते हो होता स्वयं जगत पढ़ना, एक और कहते बिना करें तो काम नहीं, झाड़ू तो लगानी पड़े। या तो निमित्त का भी निषेध करती हो, या निमित्त नैमित्तिक संबंध के नाम पर कर्तत्व को पहुंचती हो। निमित्त का निषेध जिन साधन में नहीं है, जिन वाणी में नहीं है, निमित्त के कर्तत्व का निषेध है। और निमित्त के कर्तत्व का निषेध भी तुम्हें स्वावलंबी बनाने के लिए, जब पढ़ने ही नहीं बच्चे को तो अच्छा स्कूल क्या करेगा, अच्छे अध्यापक क्या करेंगे, अच्छी किताबें क्या करेंगे? जब पढ़ना होगा पढ़ेगा तब अच्छा स्कूल भी होगा, अच्छे अध्यापक भी होंगे, अच्छी किताबें भी होंगी। ये बात अलग, उनका महत्व अपना। निमित्त के कर्तत्व का निषेध होने से कहीं निमित्त की कोई सत्ता का निषेध नहीं हो गया, और निमित्त की सत्ता को स्वीकार करने से कहीं निमित्त का कर्तत्व नहीं आ गया। समझ गए? गुण किसी के आश्रय से होंगे, धार्मिक धर्मी के आश्रय बिना नहीं होगा। दस लक्षण का हवा में होंगे, किसी व्यक्ति में ही तो होंगे। जब दस लक्षण की विनय है तो दस लक्षण की धारकों की विनय क्यों नहीं होगी? ये उपचार है, इसको उपचार विनय कहेंगे हम। चार्य विनय और चार के धारकों की विनय, चार के धारकों की विनय माने पंडित टीकचंद जी पढ़े विधान तुमने, चार को हम भी लल जा रहे
ना जाने का भावना पर ऐसी भावना का जागृत धन्य है जो चाच को धारण कर रहे हैं। सम्यक दर्शन सहित चारित्र व मोक्षम साक्षात मत चारित्रम खंडम, लेकिन सम्यक दर्शन के बिना का नहीं। वह चारित्र जो मोक्ष मार्ग है वह कोई केवल शरीर की क्रिया नहीं होगा। ये तो समझाने के लिए बातें कही हैं, नाव में छेद होना पानी आना आश्रव और पानी का रुकना सुबंध और पानी का छेद बंद कर देना संबंध और पानी उलझना सो निर्जरा और नाव खाली होकर के ऊपर आ गया, तो नाव का मुक्ति हुआ तुम्हारा। ये तो केवल समझाने के लिए है, तुम्हें भी समझना समझाना है तो ऐसी करो। यह तुम्हें जिनमत की पालना करनी है आचार्य देव कहते हैं तो दोनों नियमों को मत छोड़ो। निश्चय को छोड़ोगे तो तीर्थ का तत्व का लोप होगा और व्यवहार को छोड़ोगे तो तीर्थ का लोप होगा। तत्व और तीर्थ एक गांव वहां रखा है जा खाली, अब पहुंचो तो वहां तक तब खाओगे, पहुंचोगे नहीं तो कैसे खाओगे। अन्नपन्न और आलसी जुदा चले जब लोग सम्यक दर्शन ज्ञान पर इन बिन मुकत न हो। दशलक्षण बंधो सदा मन वांछित फल रहा। क्या समझ, जो पुण्य के उदय से मिलता है वह हमें इच्छ नहीं है और जो हमें इच्छा है वह दशलक्षण से मिलेगा। मन वांछित तुम्हारे मन में सुख है, ईसाई सुख जाते हो अस्थाई झूठा सुख जाते सच्चा, तो सच्चा सुख दशलक्षण से मिलेगा, पुण्य की कार्य क्रिया से नहीं मिलेगा। मन वांछित फलदार, एक भक्त ने भगवान की भक्ति, भगवान की भक्ति करते हुए भक्त कह रहा है हे भगवान आप ही हमारे कल्प वृक्ष हो। क्यों, कल्प वृक्षों से जो मिलता है वह हमें इच्छ नहीं है और जो हमें चाहिए वो कल्प वृक्ष मिलेगा। कल्प वृक्ष के सामने कोई कहे हमें मुक्त दे दे सम्यक दर्शन दे दे कैसे मिलेगा। जो सम्यक दर्शन अपने पुरुषार्थ से मिलता है वह कल्प वृक्ष से नहीं मिलेगा, और कल्प वृक्ष से जो मिलेगा नाना प्रकार की भोग सामग्री वह हमें इसमें नहीं। राजू ने कहा हम क्यों रोने बैठे, रोने का क्या काम है, जो नेमनाथ को भोग इच्छ नहीं थे वो हमें भी इच्छ नहीं और जो नेमनाथ को वैराग इष्ट है हमें भी वैराग। आत्मा ही सबको सबको सबका आत्मा ही उपाधि है। कोई जीव पैसा के अभाव में दुखी नहीं, भोगों के कारण से दुखी नहीं, इच्छाओं की अपूर्ति के कारण भी दुखी कहा जाता है, लेकिन ये बताओ इच्छाएं उत्पन्न कैसे हो। जितने भी दुखी हैं आकुलित हैं आकुलित वयो अज्ञान का, आत्मज्ञान के बिना दुखी आत्मज्ञान से सुखी, और बात बाकी सब विस्तार शास्त्रों का उठना ही है। परमात्म प्रकाश टीका में एक बहुत सुंदर श्लोक आया टीका में, पूर्व नहीं है उसमें, समस्त द्वारांग साम्य भाव की टीका है। टीका मैंने खुला था पिता मैंने साम्य भाव नहीं लिया, तुमने पढ़ गए का पढ़े। अगर तुम्हारे समता भाव नहीं है तो क्या,
समस्त द्वारकांग साम भाव की टीका है। अगर तुम्हें एक अक्षर से साम भाव आता है तो बहुत है। पंडित रायमल जी कहते हैं, कोई ये जानेगा द्वारकांग का ज्ञान कोई अपूर्व उपलब्धि है ऐसा नहीं। स्वात्मान भव होने पर शास्त्र पढ़ने की अटक नहीं। तुमने देखा होगा अपने गुरुओं के दो करण पीछे कम शास्त्र करण शास्त्र वहीं रखती है। हर समय रहना शास्त्र जरूरी है। हम आपसे फिर कहेंगे देखो दिन में स्वाध्याय करो रात में ध्यान करो। लाइट की जरूरत का है। कीड़े आते मच्छर आते। अरे रात दिन में जो ध्यान चिंतन मनन किया है पढ़ा लिखा समझा है रात में उसका चिंतन कर। अरे ध्यान नहीं होता ऐसा क्यों कहते हो? पंचम काल में भी धर्म ध्यान का अभ्यास होता है। धर्म ध्यान भी होता है। आचार्य कुंद देव ने कहा आज भी त्रिरत्न से शुद्ध माने रत्नतर से शुद्ध लौकांतिक देव तक होते हैं और एक भक्त की बात मुख जाते। तुम कहते होता ही नहीं ये कोई बात है? अरे ध्यान का नहीं होता ये बात शुक्ल ध्यान के संबंध में समझना चाहिए। श्रेणी के संबंध में समझना चाहिए। लेकिन ध्यान नहीं होता हम कहते आपसे ध्यान का अभ्यास तो होता है। अभ्यास तो कर ध्यान की भावना तो होती है। जो कर सकते हो जितनी शक्ति है उतना तो करो। जितनी शक्ति भी नहीं हो उसकी भावना भाव उसका अभ्यास करो उसे स्वीकार करो श्रद्धा करो। सिद्धांत तो ऐसा रखो कि ये भी है ये उपाधि है। अब तुम्हारा सद्धानी विपरीत हो तो हम क्या करेंगे? कैसी सुंदर चर्चा है। जब हम चर्चा को सुंदर कहें तो चर्चा कितनी सुंदर होगी। आदि लाइन में आदेश रूप में पूरी चर्चा कर दी। ठीक बाणवरा ब्रह्म भाव अंतर रखो। बाहर का भी बता दिया भीतर का भी बता दिया। ज्ञाता दोनों ग्रंथ हमारे दोनों कौन थे सोचो विचार करो कुछ। इसका विचार विवेक पूर्वक ध्यान रचित हो कि ये तो सर्व आत्म ज्ञान के सिद्धांत का रक्षक है। इसका विचार मैं कौन हूं आया कहां से और मेरा संबंध दुखमय कौन है स्वीकृत करूं परिहार किसे छोड़ू किसे स्वीकार करूं कौन को अपना माने कौन को पराया माने। के पर को पराया मानो अपने को अपना मान। कैसी सुंदर चर्चा है। संतोषी गुण रतन भंडार उत्तम सोच लोक परिहारी संतोषी गुण। जैसे कभी भाई ने 1,00,000 रुपया मिले तो आनंद आया। बोली इंजन बोल रही 1,00,000 2,00,000 की तो तुम्हें आनंद आयो। जब लोग मावी होगा बस खत्म हो गई। और ऐसे लगते जैसे कभी है ही नहीं। संतोषी गुण रतन भंडार
संतोष जी कैसा धन है, लौकिक व्यवहार में भी क्या कहा है, पड़ा होगा सब धन धूल समान। जवाब है संतोष धन। संतोष के आगे दूसरे लाभ धूल के समान है, माने सारे लाभ अपनी पंडित को मलिन करने वाले। अभी तुम्हें 1 लाख रुपए का लाभ दिया तो आयुमान भीतर में आया, 1 लाख तो तिजोरी में बैंक में गया, या बैंक में वहां गया, तुम्हें क्या मिला? तुम्हारी तिजोरी में क्या है? लोहे की तिजोरी में गया 1 लाख रुपया आयुमान, 1 लाख। तो धूल मिली तुम्हें, क्या मिली? चीटी झक्कर ले चली हाथी के सिर दूर। अज्ञानी को अभिमानी को क्या मिलेगा बता? ये संतोष कितनी बड़ी वस्तु होगी, कितना बड़ा गुण होगा जिसको तुमने 1 गुण समझ लिया। आज उत्तम सोच का देने और कल को एक को देने और परसों का एक को देने दसना का। अरे सारे देव संतोष के ही है। रे मन कर सदा संतोष, उस संतोष के 2 प्रकार है। एक तो पुण्य के उदय प्रमाण सामग्री में संतोष होना, तृष्णा नहीं होना, ये तुम्हें मिल गो संतोष। पुण्य के उदय की सामग्री में जितनी मिली है उसमें तृष्णा नहीं होना, आपक बढ़ते नहीं जाना। लखपति हो गए तो करोड़पति, करोड़पति हो गए तो अरबपति, यही सोचते रहे हो। एक पुण्य की सामग्री में संतोष और एक अपने स्वरूप में संतोष, परमात्मा देवा। जैसे पुण्य के उदय की सामग्री में भी संतोष नहीं है, तृष्णा में पड़ा है, वह तो जिनमानी सुनने का पात्र ही नहीं है। का समझ में आए? उसे सच बात कह रहे हैं। अगर भगवान भी मिलेंगे तो ये सोचेगा भगवान हे भगवान काय काय बात करो, अरे ने दुकान चलन लगे। मैंने भगवान का भी उपयोग इसमें करेगा, अपनी इच्छा की पूर्ति में एक रोटी मिल जाए, हे भगवान। एक बूढ़ा लकड़हारा लकड़ियों का गठन लेकर के जा रहा था गर्मी के दिन जंगल का, बेचारे को पसीना आ गया, हांफने लगा, भगवान पूरा दिन इतनी मेहनत करने पर रुका, मोतव तो नहीं था, उसके मुंह से निकल पड़ा और मौत सामने खड़ी हो गई। एक कल्पना है, मौत सामने खड़ी हो गई, बोले काय तुमको तुम्हारी मौत ए काय तुम्हें जो याद कर रहे थे, तुमने तो बुलाया है। अरे हम क्या करे बुलाओ, तुझे लकड़िया ने गच्छर बनवा ऊपर जाकर नहीं मनवाओ तो कि शरीर छूट गया और हमारा सब कुछ छूट गया। ऐसी दशा है हमारी मोह की, मोह में ऐसा ही होता है। मोह की दुनिया में अनर्थ ही होते हैं, अर्थ की सिद्धि तो अपनी तत्व ज्ञान से वेद ज्ञान से ही संभव है। ऐसे समझ लीजिए संतोष कैसे, व्यापार में संतोष नहीं, खाने पीने में संतोष नहीं, वो तो दिखाने लायक है। सचमुच एक सेठ था, उसने एक नाई को बुलाया बाल बनाने के, तो सेठ ने कहा सुनो अच्छी बाल बनाओ ढंग से, कछु देंगे बाल बन गए और मचल गया नाई, 10 रुपया हम नहीं देंगे, हम तो कछु लेंगे। और कछु लेने के चक्कर में परेशानी हो गई, 100 रुपया दिए, 1000 रुपया दिए, नहीं हमें तो कछु चाहिए।
भीतर गए सीधानी जी कहा कि नहीं तो मचल गया है। बोले को बात इलाज हमारे पास हमारे पास इलाज है। एक गिलास दूध नाई जी के जो ले जाए और जाकर के गिला दीजिए। दूध में जब ले गया दूध एक गिलास साहब यहां में तो कचू पड़ो अरे बहुत देर से मचा लो तो क्या हमारा मतलब ये है कुछ हमारे हम कचू हैं हमें कचू चाहिए। कोयला का टिकरा टुकड़ा मिलेगा तिनका मिलेगा और कुछ नहीं। अरे भाई ये सोचो आत्मा की अतिक्नेस इनके आत्मा महामय मात्र तत्व है। आत्मा के सामने हम किसको उठाएं जिन्होंने हमें आत्मा दिया है। राजचंद जी भक्ति कर रहे हैं अब भक्ति में क्या लिख रहे प्रवचरण में क्या धरूं आपको क्या दूं आत्मा से सब ही सोचो प्रभु तुमने दियो बरसू चरणा जिसने आत्मा जाना उसने क्या नहीं जाना और जिसने आत्मा जाना वो नहीं जाना तो उसने क्या जाना केवल अहंकार है पूरा। जिसे आत्मा मिला उसे क्या नहीं मिला जिसे आत्मा नहीं मिला तो क्या मिला। शुद्ध प्रभु तुमने दियो वर्तु चरणा राजा लोग कभी प्रसन्न हो जाते थे तो क्या करते भाई संबंध जोड़ दो भाई। अगर हमारे गुरु महाराज प्रसन्न हो गए तो संबंध जोड़ लो तोड़ लो पर थे कुछ भी। जिसे धन की तृष्णा में पड़ा है संतोष नहीं आता। तुमने वो सुना होगा पहले भी एक व्यक्ति था महाराज बहुत दुखी परेशान है क्या चाहते मैं वरदान दे क्या जो छुए सो सोना बढ़िया जा अथा तू अब पानी की प्यास लगी है उसने जो पानी छुआ सोना अब क्या कर ये सुना तो किया नहीं है। भूख लगी रोटी सोने की जो छुई जो अब क्या करे एक दिन में थक गया और पहुंचा जाकर के महाराज अपना वरदान वापस। अगर ऐसी दुर्दशा करनी हो तो फिर तृष्णा में पड़े और अगर अपना कल्याण करना है तो ये नहीं सब जो चीज छीने सो सोना अरे जो जाने सो गे बस सकल गे ज्ञायक तदक निजानंद रसली तो जिनेन्द्र जयवंत ने अर्रज रहसली। संतोषी गुण रत्न भंडार देखो आप करनाम योग से देखना संतोष से पुण्य होगा आपको। धर्म की बात तो बहुत बार की है लेकिन पहले पुण्य भी समझ लो पुण्य भी तृष्णा से नहीं होगा संतोष। तृष्णा में पड़े जो बुद्धा जाति ने जैन शतक में एक चेतावनी दी अंगोपंग पराने पड़े पर तृष्णा और नवीन भरी बुढ़ापे में ऐसा लगता है कहीं तो शिथिल हो गया तृष्णा शिथिल नहीं तृष्णा आज भी नवीन है। ये बताओ कैसे सुखी हो पाओगे
ये रचना पड़ी है अंदर में पाप भाव है उसी तो दिनवाणी स्वार्थी ऊपर से हमान करने की अलग बात है लेकिन स्वार्थी नहीं। व्यवहार संतोष जो पुण्य बंद के कारण है और आपको मालूम है सारी सामग्री पुण्य के उदय प्रमाण में कोई दृष्टांत याद है चाहे कुएं में भरो ठीक सागर में भरो जितना बड़ा तुम्हारा बर्तन है उतना ही तो पानी मिलेगा। अगर तुम्हारा बर्तन 2 लीटर का है तो 10 लीटर कैसे मिलेगा। हम ठीक सागर से भर रहे हैं ठीक सागर से भर रहे होगी तो क्या हो जाएगा जितना तुम्हारा बर्तन है उतना ही तो पानी मिलेगा। जितना तुम्हें उदय है उतनी सामग्री तो मिलेगी। तुम सवेरे 6 बजे से पूजा छोड़ के दुकान खोल दिए तो अधिका हो जाएगी। छोड़ के जल्दी जल्दी जागे लेकर कौन जाओगे दुकान पर तो अधिका हो जाएगी। अरे श्रावक की चर्चा ब्रह्म मुहूर्त में उठे अपना चिंतन करे समय करे जिसको समय करे शुद्धि पूर्वक मन जिन मंदिर में आए शुद्धि पूर्वक काय की शुद्धि शरीर की शुद्धि समझोगे धुले कपड़ा पहन ले। अरे शुद्धि पूर्वक दर्जी की भी शुद्धि चाहिए। अगर तुम पर्याय नए से देखोगे स्वार्थ से देखोगे तो जी भगवान एक वेद दिखाई देंगे। मुकदमा जिसका चल रहा है कोर्ट में उसको एक वकील दिखाई देंगे और किसी हे भगवान मुकदमा जब वकील आपके पास चले रोग ठीक हो जाए व्यक्ति के पास जा पर्यार्थिक न से देखोगे नहीं पर्यार्थिक व्यक्ति तो भगवान भगवान नहीं दिखाई देंगे और द्रव्य स्वभाव से देखोगे तो सब भगवान। व्यवहार का जो संतोष है जो आपको चश्मा से दूर कर रहा है क्या करने पुराने लोग कहते थे एक फैक्ट्री लगा दो क्या करने भैया बोले चल रही रायचंद जी ने लिखा है थोड़ी उपाधि से काम चले तो ज्यादा उपाधि में मत पड़े। कमरा हमारो तो 67 तारों को डरे आज के खोल के जा रहे कौन और कमरा मंदिर को तो जी जा रहे हम कमरा साफ कराएगी हम आओ पैसे। अरे जो स्वामित्व बनता छोड़ता है वह स्वामी होता है और जो स्वामित्व करता है वह भिखारी होता है स्वामी नहीं। कमरा हम आपके लिए है कि आपके आप कमरे के लिए हो गए और नहीं तो खोलो चले गए और ये तार लगाई झाड़ू लगाई ये ऐसा करी अपना होगा तो कौन लगा हमारे मन में जाके कमरा अपना होना है। अरे अपने कमरे को पहचान दो लोग सच कह रहे आपसे अगर शांति के तत्व ज्ञान के आलोक में रहना चाहो तो सब जगह रहने की गुंजाइश और कसायों से रहना चाहो झपट्टा मारना चाहो खाने पीने की तो कर भगो यहां से लेकिन एक बने आइए क्या बात हो गई आसक्ति छोड़ो कसाय छोड़ो संबंध मन धर्म कार्य नहीं लेकिन हम कसाय नहीं छोड़ेंगे धर्म का छोड़ देंगे। कल ने कछु पूजा के समय भी अगर कह दिया कद हमें जमन देना नहीं है ये भगवान नहीं आ रहे तुम क्यों निकले आ रहे हो जिसने मंदिर बनवाया उसके लिए आ रहे हो कि भगवान के लिए आ रहे हो अपने लिए
तो फिर कैसे वैद्य के पास जाकर के कल से हम इलाज करा भी नहीं कहो नहीं कहोगे और यहाँ ठोक गए कल से हम मंदिर नहीं आएंगे, कल से हम पूजा नहीं करेंगे, ये कोई बात है? तो रिश्वत भी देता है तो हाथ जोड़ जोड़ करके और धर्म के क्षेत्र में हाथ जुड़वाएगा दस हजार उनसे ले ले उनसे ले ले उनसे ले ले उनको कटे चुका है अरे तुम दे अपने तुम्हें क्या करना धान का पैसा एक तरह का आपके ऊपर कर्जा है ये समझो वैसे कर्जा नहीं है धन ये माना कर्जा नहीं है लेकिन धर्म बुद्धि से धर्मात्मा का धर्मात्मा को धर्म की वृद्धि के लिए देना तब गण धर्म बुद्धि नहीं है और लाखन की बूढ़ी ले ली कमरा बनवा लो भाई तुम कहा को ठहर गए हमारे कमरा निकलो बात ये कोई बात है और तुम्हारी कमरा बनो रहे खेत पर वंदना करने के लिए कोई कमरा द्वारे आ गए और भीड़ भाड़ में उनको कमरा पहले मिल भूल गए तो तुम्हारे अरे कोई बात नहीं हमारा तो साधन के काम आ हम यहाँ ठहरते हैं ऑफिस में जाएगा क्या करने इतनी सरलता तो रखो कम से कम वहां भी रोब गांठ हो गए हमारा कमरा ये चौकी देखोगे और देख के करे हमारी चौकी हमने नहीं ये दुपट्टा देखा करे देखा हो गया हमें तो गलत हो ये ठीक बात नहीं वस्तु का छोड़ना अलग बात है और कुंदकुंद स्वामी कहते हैं अधिवसान का छोड़ना अलग बात अधिवसान के त्याग के लिए पर वस्तु का त्याग कराते हैं लेकिन पर वस्तु के त्याग मात्र थे अधिवसान का त्याग नहीं हुआ अधिवसान के लिए के त्याग के लिए गहरा अभ्यास करना पड़ेगा किसी बाहर से धोने से काम नहीं चलेगा तब तब धो लेंगे अंदर से धोना पड़ेगी तब वो था होगी दूध भरने डाल दवा रखने डाल तुम बाहर से धोगे दस डबे उसे क्या हो जाए कैसे देखोगे ये बने अंतर उज्जवल करना रे भाई अंतर उज्जवल करना सोचो कैसे लिखे होंगे अरे मेरे कपड़े को कहीं केसरिया रंग से रंगा जाता उस पर रंग चढ़ जाए कपड़ा धो तो सही पहले साफ तो खले तब आप केसरिया रंग चढ़ेगा ऐसे तुम्हारी परणती जब तक पाप के मलिन है मोह के मलिन है तब तक धर्म का रंग कैसे चढ़ेगा धर्म का रंग चढ़ने के लिए अंतर उज्जवल करना है पर वस्तु का त्याग करने की एक विधि है कर्णा युग में पर वस्तु की प्रधानता से त्याग का उपदेश किया लेकिन पर वस्तु के त्याग का उपदेश पर भावों के त्याग के बिना कार्य कर नहीं है बाह्य त्याग से अवसर मिलता है और अंतर के त्याग से शांति बाह्य त्याग के बिना अवसर ही नहीं और अंतर के त्याग के बिना शांति अंतर के त्याग के बिना बाह्य त्याग अभिमान उत्पन्न करेगा तुम्हें उस ज्वाला में चलोगे अंतर के त्याग के बिना क्या करोगे हमने जो छोड़ दिया हमने जो छोड़ दिया हमने वहां ऐसे बैठो तुमने कर्तत्व का अहंकार है और कुछ नहीं शांति नहीं मिले ना सही बताएं बात श्रेय भी नहीं मिले अध्यवसान के त्याग के बिना ज्ञानाभ्यास के बिना न तो शांति मिलेगी न श्रेय मिलेगी
ना पात्रता होगी ना धर्म होगा ना व्यवहार होगा ना परमार्थ होगा। क्या कहा था हमने दो तीन दिन पहले? कहा था भाई इस फर्श पर न तो कछ नहीं हुई, घासों पूछ नहीं हुई, मूछड़ा धार बरसा बरसे लेकिन यहां कुछ नहीं। क्यों? कठोर भूमि है। आप अपनी पात्रता जगाओ, सरल स्वभावी हो, चाके घर बहो, संतोषी गुण रतन भंडारी। अरे पढ़ा करो, चिंतन किया करो, रस किया करो। ये नहीं है भगवान को सुनाया है और पूजा हो गई। जो आप सुनाओगे वो तो भगवान के ज्ञान में पहले ही झलक रहा है। जो भगवान के ज्ञान में है वो आपके ज्ञान में आना चाहिए। एक संतोष तो ये है कि बाहरी पदार्थ जितनी पुण्य के उदय से मिले हैं संतोष करो, तृष्णा मत करो। जैसे शील और ब्रह्मचर्य के प्रसंग में स्वाधार संतोष व्रत लिखा, उसका अर्थ क्या है? अपनी स्त्री में ही संतोष, एक अर्थ तो ये है। और दूसरा अर्थ है अपनी स्त्री में भी संतोष तृष्णा नहीं आ सकती, समझ गए? एक तो पुण्य के उदय से जो सामग्री हमें मिली है इनके उदय की, इनके साथ हमारे उदय की, हमारे साथ इनको देखकर हम ही जाता है तो क्या होगा? पाबंद। समझ गए? हम सोचे तीर्थंकर की जय समोषण बारह सवा रखिया, तीर्थंकर तो हो जा पहले। सोचो, अब तुम सोचो ऐसे ही शांत बैठिया हमारे लिए तो कहा हो? संतोषी गुण रतन भंडार, चुपचाप बैठ जाओ, स्वाध्याय करो। हम इतनी क्षमता होना चाहिए और इतनी क्षमता अंदर में आना चाहिए। अकेले बैठे हैं तो उत्साह कम नहीं है और 50 लोग बैठे हैं तो उत्साह बढ़ना जाए। अकेले बैठे हैं धीरे पड़ने लगे चौकी लगा, और जो दूसरा आ गया तो थोड़े जोर से बढ़ने लगे, तीसरा आ गया और जोर से बढ़ने लगे, 10 आ गए, चेहरा दिखाई नहीं दी, सुनाई नहीं दी, तो तुम जान हमें कब आना? ये व्यवस्था तुम्हारी है हमारी नहीं, हमें सुनाई तुम्हें सुनाई नहीं दी। क्यों नहीं सुनाई देता? इसमें तुम्हारा दोष है, हमारा दोष तो कुछ है नहीं। हम क्या उससे कैसे बोले? अगर नहीं सुनाई देता तो मैं तुम लगाओ, तथा तुम डाल नहीं दिखाई देता तो हम का करें? इसके आगे आप मत सोचना, अपने आप व्यवस्था हो जाएगी। धनंजय कवि ने तो ऐसा सुंदर देखा बेटा भारे सूत्र में कि पेड़ के नीचे छाया मांगोगे तो मांगनी पड़ेगी, पेड़ के नीचे छाया बिना मांगे मिलेगी और पेड़ से दूर कर छाया मांगने पर भी नहीं मिलेगी। अगर तुम भगवान की छत्र छाया से दूर हो तो तुम्हें सुख कभी नहीं मिलेगा, मांगने पर भी नहीं मिलेगा। और इन भगवंतों के समीप आए तो सुख तुम्हारे चरणों में मिलेगा। पेड़ के नीचे छाया मिलेगी और पेड़ से दूर रहकर ये पेड़ महाराज हमें छाया दे, तुम नहीं देवे? क्या रोग बांटो क्या मांगो, मने क्या दीनता करो, क्या याचना करो, क्या ये आप जो कुछ भी करना हो करो, पेड़ से दूर रहकर की छाया नहीं मिलेगी। और पेड़ के नीचे आओगे तो छाया अपने आप मिलेगी। समय लेना चाहिए, सारी व्यवस्था यही है। चाहने से नहीं मिलेगा, जैन शतक में क्या देगा? तूने क्या भोग रहे नर पूरा पुण्य बिना क्यों पाए? आज संयोग मिले कम योग गए तो रोग न भोग सके,
इसको गांव के लोग पहले ही कह रही थी भैया चना वाई कर रहा तो नहीं गाता तो चना नहीं अब का। अगर तुम्हें भोग सामग्री मिल गई और शक्ति नहीं हुई तो तुम का करो, समय नहीं है आज लोगों को, सामग्री है और समय नहीं है भोगने, रोटी है और खाने का समय नहीं है, कहां गया 24 घंटे का समय, विकथा में व्यसनों में चला गया, बैठे ही ढोनी दिया विषय चोर लुटे दिए, विषय चोर चोर सर्वर टूटे शुद्ध नहीं। आपका 24 घंटे का समय कहां गया है, दुकान पे गया होगा, फुर्सत नहीं है खाने, घर में गया होगा, घर के तमाम कार्यों में गया होगा, आराधना प्रार्थना में जिसका समय लगता है उसको हम धन्य कहेंगे। अगर आराधना प्रार्थना में तुम्हारा समय नहीं लगा तो क्या किया तुमने ये बता। संतो समझ गए, भावार्जन करो, ये वो धन है जिसके आने पर सारा धन भूला के समान है, माने उसकी अभिलाषा नहीं होती। तुम्हें ये अभिलाषा होती है भाई नाम में धूल चल गया, भाई कमीज में धूल लग गया, ये अभिलाषा नहीं होती। इसी प्रकार ज्ञानियों को भोगों की अभिलाषा नहीं होती, वे भोगों को दूर समझते। विचार करो, उस चीज की क्या होती है जिसमें सुख बुद्धि होती है, आत्मा के अतिरिक्त किसी वस्तु में सुख बुद्धि नहीं है तो किसी की क्या है। और अगर क्या सुख बुद्धि है तो क्या होगी, एक तो पुण्य के उदय की सामग्री में भी संतोष तस्राम है, व्यापार तो करने है लेकिन ऐसा व्यापार नहीं करना जिसमें दूसरे का गला घुट जाए। हमने पुराने लोगों को कहते हुए सुना है ये बात को, ए जी तुम का कमाई करोगे हमारे संग चलो रात को, ऐसो धन हमें नहीं, धन नहीं चाहिए ऐसा नहीं, अन्याय से उपार्जित सामग्री नहीं चाहिए। सौर धर्म के प्रसंग में पंडित सदा सुखदास जी ने क्या लिखा है आप पढ़ करके आयो, पढ़ करके बैठा रहो, हम बांच नहीं पाएंगे पूरा। उनके भावों को व्यक्त करना कोई हंसी खेल, ये तो हम तुम्हें तुम्हारे पिताजी की चिट्ठी बांच के सुना रहे खाली, हम कोई वक्ता नहीं है। और वक्ता वही होता है जो ज्ञाता होता है। और सुनो, एक बच्चा आया बोले पंडित जी प्रवचन करना सिखा दिए, हमने प्रवचन सुनना सीख ले करना सिखा रहे हमें, जो दृष्टांत यहां से वहां से गए अबा बढ़िया वक्ता बन गए। अरे ज्ञाता होता है वह वक्ता होता है, लिखा है कि नहीं टूटे मंजिल, जिन शास्त्रों के रहस्य का वक्ता कौन आत्मरस का रसिया, बस जिन शास्त्रों के रहस्य का ज्ञाता होता है, रहस्य का ज्ञाता है तो रहस्य का वक्ता है। एक संतोष कैसे ही कल्पना करो जिसके सामने 50,000 दूर करोड़ों की संपत्ति दूर, अरे 3 लोग की संपदा कैसी है धूरा की तरह, चक्रवर्ती की संपदा इंद्रशाही के वो कागजी सम लगते हैं। अब समझिए हम इधर से पढ़ेंगे उधर से नहीं पढ़ो, जिसको चक्रवर्ती की संपदा पाने की चाह नहीं है
जो चक्रवर्ती की संपदा को काकी बीट के समान समझता है, इंद्र के भोगों को काकी बीट के समान समझता है, वह सम्यग्रस्ति होता है। सम्यग्रस्ति होना खेल खिलौना नहीं है, कोर्स नहीं है, यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं है ये कोई। जो हमने तुम्हें दे दी या तुमने इन्हें दे दी, जो लौकिक ज्ञान देव है, समाज देव है, वो तो डिग्री है ही नहीं। यहां जिसकी दृष्टि में चक्रवर्ती की संपदा धूल के समान लगती है, काकवीट के समान लगती है, तो फिर मेरी संपदा कौन सी है जो अनुपम संपदा, जिसको पाकर के जीव निहाल हो जाता है, खुशहाल हो जाता है, बस संपदा कौन सी। जिस संपदा को पाने के लिए चक्रवर्ती छेकंड की वृत्ति को छोड़ कर दे गया, इत्यादि संपत्ति बहुतेरी जीरण तनवत, वो संपदा कौन सी थी। आत्म संपदा इसको नियम साजी की कामी कहा आचार्य को मुनराज ने, समता की अनिवार्य। जब तुम्हारे जीवन में समता आएगी तब ये समता प्रकट होगी, है तो भीतर, लेकिन आप जानना खान से निकला हुआ सोना मट्टी जैसा दिखता है। मूलों को शराब को नहीं, शराब को उसमें सोना दिख रहा तुम्हें कठिन नहीं करोगे तो मट्टी है, मट्टी के पैसा नहीं लिए उसने, उसने शिला खरीद ली, पहाड़ खरीद लिया, खान खरीद ली और उसमें निकल पड़े हीरे जवाहरात के भी कहां से निकले। ये सोने के रूप को देख करके आप मोहित होते हो, वह सोने का रूप सूर्य का लगने के बाद प्रकट है तो भीतर, लेकिन सूर्य का लगने के बाद प्रकट हुआ है, किसी खान में से नहीं मिले। जिस परमात्म तत्व को देख करके तुम जय हो जय हो जय हो करने लगती हो, हाथ जोड़ने लगती हो, नमस्कार करते हो, जिसके आगे इंद्र की विभूति लगे तिन सी, वह परमात्मा दशा साधना के बाद प्रकट होती है। आत्मा तपस्या से वह रूप प्रकट होता है, वह तपस्या सम्यक दर्शन पूर्वक होती है। तत्रागो सम्यक तम, विचार करो, संतोष कहते ही तुम्हारे मन में कुछ और बात आना चाहिए, जो बातें आती नहीं सो नहीं। संतोष शीलवान पुरुष अपनी स्त्री में भी संतोष है, प्रश्ना नहीं आ सकती नहीं। ज्ञानी जीव अपने स्वभाव में संतुष्ट है, पुण्य के उदय की सामग्री में भी संतोष नहीं। हम आपसे फिर कहते हैं, देखो भोजन के अनेक नियम हैं, लेकिन सबसे बड़ा नियम ये है, आप बैठो तो अपनी थाली की ओर देखना, इनकी थाली की ओर मत देखना। तुम्हें रूखी रोटी बसी, लड्डू नहीं बसे, इन्हें लड्डू दे दे, लल जाना मत। वैसे सोधी बन गए और सोध के चौकाम पहुंच गए और बूंदी देख के मन चले आओ। अरे सोधी कहां के जब तक मन सोधी नहीं है। सर्व शुद्धियों में पहले मन शुद्धि है कि नहीं, मन शुद्धि का शुद्ध। अब मन ही शुद्ध नहीं है तो अब मन शुद्ध कैसे होगा। सबका क्या जीव का में लिखा है बहुत सुंदर, महापुरुषों के गुणों का चिंतन करने से मन प्रसन्न होता है, मन शुद्ध होता है। शुद्ध आत्मा के चिंतन से तो मन प्रसन्न होगा ही,
कहते हैं महापुरुष जिनका आत्मा सर्वत्र है, जिनके अंतरंग में आत्मा बसा हुआ है, बसा समझते हो, किसी रोलो तो भी गंगा नहीं आए, हिंग की कपूर की गंगा नहीं आए, किसी धो लेना उसके बाद भी वो बसी हुई हो। आत्मा जिसके हृदय में बसा हुआ है, आत्मा समीप सदा रहे, उनको स्वामी कहते हैं, जिनको आत्मा सदाकाल समीप है उनको स्थाई सामर्थ्य है, उनकी सामता को कोई भंग नहीं कर सकते। उपसर्ग आपके उदय की प्रतिकूलताएं तो उपसर्ग नहीं, लेकिन पुण्य के उदय की अनुकूलताएं भी उपसर्ग हैं। एक देवंगना आकर के नाचने लगी, ये भी उपसर्ग है। आग लगाई ये उपसर्ग नहीं है। कहे जे तो नृत्य देख तो बहने, अरे यही तो उपसर्ग है। पाप के उदय से होने वाला की प्रतिकूल संयोग वो उपसर्ग है, और पुण्य के उदय से होने वाला वो भी उपसर्ग है। निरुपसर्ग को देखो तब समझ में आएगा। संतोषी गुण रतन मंडा, अपने धन है जो अपने स्वभाव में संतुष्ट हैं। कोई लाइन पढ़िए तुमने शास्त्र में, आत्मा है मेरे को सुन, हमको तो एक अकेला आत्माएं चाहिए और कुछ मेरे न क्या कुछ और ही रत्नत्र निधि। अगर तुम्हें रत्नत्र निधि की भी जाव है तो रत्नत्र निधि का रत्ना कर भगवान आत्मा को देखो, जिसकी श्रद्धा से रत्नत्र प्रकट होगा, जिसकी भावना से रत्नत्र प्रकट होगा। हम कहें 100 रुपए का मिठास लिया जा, मिश्री बिना मिठास कहां, खारा नमक बिना खारापन कहां, धर्मी के बिना धर्म कहां, ये सोचो पहले। अगर तुम्हें रत्नत्र निधि चाहिए, संतोष चाहिए, तो आया अपने भीतर तुम्हें बहुत संतोष मिलेगा। ऐसा संतोष मिलेगा जिस संतोष के आगे तुम निहाल हो जाओगे, अनंत काल तक कोई इच्छा उत्पन्न नहीं। आचार्य कुंडकुम स्वामी ने संतोष शब्द लिखा है, इसमें सदा संतुष्ट रहे। हे भैया तुम्हें संतोष चाहिए तो आ जा अपनी ओर देखो, अपनी ओर देखने से तुम्हें संतोष मिलेगा, पर की ओर देखने से तो तृष्णा होगी और कुछ नहीं। तृष्णा का तुम्हें दृष्टांत याद होगा। एक विप्र आया राजा के पास, महाराज आपकी बेटी की शादी है, नेक के लिए सोनो मिला तो राजा देता था मोहरे। उसने सोचा विप्र बहुत संतोषी है, इसको दे दो चांद को। पर्चा लिखा और कह दिया जाओ कोषाध्यक्ष से खजानची से जो चाहिए सो ले। अब रास्ते में जब चला वहां से पीठ करी, राजा की ओर पीठ करोगे तो तृष्णा होगी, समझ गए। अगर तृष्णा नहीं लानी है तो राजा की ओर से पीठ मत करना। राजा की ओर से पीठ करी सोई तृष्णा अपना प्रभाव दिखाने लगी, अपना रंग जमाने लगी। विप्र ने सोचा एक मोती खाओ है, जब राजा प्रसन्न है दे रहा है तो अपन को का एक बिंदी और बढ़ा, एक की क्या हो गई, एक पे एक बिंदी तो क्या हो गई 10। फिर आगे बढ़ा, उसके मन में आया अरे 10 से का और वो 100 ही मांगी, एक बिंदी और बढ़ गई, एक बिंदी और बढ़ गई, एक बिंदी और बढ़ गई।
और पहुंच गई लाखों पर संख्या। जो कोसा दर्शने पर क्या देखा, खा हो तो राया वो इतनी तो खजाने में नहीं है जितनी देर भी कही है। उसने कहा चलो राजा के पास। जब पहुंचा क्यों महाराज आज क्या किया तुमने, ये बच्चा के तो आपको ही है कि है तो हमारा नहीं है और हमारा ही है, जी का मतलब एक हमारा है और बिंदी कृष्णा की। उसने देखा और देख करके अचंभे से विपर की छता दिख रहा और पत्ते की ओर दिख रहा है और कहा विप्र तुम बहुत संतोषी शांत वाले परिणाम वाले जीव हो, एक बात बता दो खाली, एक मोर से होने वाला काम एक लाख से हो जाएगा क्या नहीं। एक मोर से होने वाला काम एक लाख से हो जाएगा क्या नहीं तुम जो बताएगा, हम एक लाख देते हैं कोई बात नहीं। वो विप्र बोला वो भी विद्वान था लेकिन ऐसी विद्वत्ता क्या काम की जो तृष्णा को बुला गए, क्रोध को बढ़ा गए, मोह को बढ़ा गए। ज्ञान तो उसे कहते हैं, विद्वत्ता तो उसे कहते हैं जो मोह और कथाओं को मिटा गए। बीचा की ओर ले चले। विप्र बोला सुन राजन महाभाग, हे महाभाग राजन सुनो, लाभात लोवा बुझाए, जितना लाभ होता है उतना ही लोग बढ़ता रहता है, लाभात लोवा बुझाए। लेकिन समता का सम भाव का लाभ रहता है उसमें लोग नहीं आता, इसलिए समता का लाभ उत्कृष्ट है, संतोष का लाभ उत्कृष्ट है। अपने आत्मा में संतुष्ट हो गए तो तुम्हें कोई व्याधि नहीं आएगी, तृष्णा उत्पन्न नहीं होगी। और अगर बाहर की सामग्री में भी संतोष नहीं करोगे तो जिनवाणी के भी दूर चले जाओगे, नहीं मिलेंगे ये मंदिर, नहीं मिलेंगी ये जिनवाणी, नहीं मिलेगा समय, नहीं मिलेंगे कान। यदि आप विराधना करें तो कल किए भजन में भक्ति में यदि अवसर चूकेगा भव भव पछताएगा, मंदर भवी पाया तो दिन व्रत नहीं पाएगा। समझ में ना, संतोष के बिना क्या मिलेगा तुम्हें, जो मिलेगा सब बेकार संतोष के बिना। एक राजा जंगल की ओर से निकला, एक मुंडा ध्यान से उठे थे तो एकदम खड़े थे समझो। राजा बोला महाराज घबराया हुआ और घबराहट का चेहरा और भाषा कुछ अलग होती, महाराज 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 अरे कछु कहोगे, आपने हमारा शत्रु देखा है कि हाँ कहाँ है, कहते तो अगर मिल जाए तो क्या करोगे, उसको तैस नैस कर देंगे, उसका अंत भी नहीं रहने देंगे। अच्छा तो तुम्हारा शत्रु यही है, कहाँ तुम कौन हो, राजा जो राजा के होते हुए तुम्हें बन बन भटका रहा है वो तृष्णा का भाव ही तुम्हारा सत्य। राजा होकर भी चैन से बैठने नहीं, तिजोरी भरी है और तुम दुकान पे बैठी पत्नियां पहुंच गए, इससे बड़ा शत्रु कौन होगा। राजा होते हुए भी तुम्हें जंगलों की छा खाप छनवा रहा है, डर भटका रहा है, वो चरना का भाव तुम्हारा भटकू है, बोलो मार
इस शत्रु का अटैचमेंट करो। और संत कवि ने क्या लिखा है, ये नव सनातन भी शत्रु का नाम भी नहीं रखने देता। आप समझो, तृष्णा का नाम भी मत लो, अंधकार को कोसो नहीं, उजाला करो। उजाला करोगे तो अंधकार अपने आप मिट जाएगा, यह ना अभ्यास करोगे तो संतोष अपने आप आ जाएगा, और नहीं तो बुलाने बुलाने से भी नहीं आएगा, करोड़ों की संपदा से भी नहीं आएगा, पूरा साथ पढ़ लेना तो भी नहीं आएगा, और नहीं तो एक बैन पढ़ियो संतोष। एक दो मुंडा बैठे, एक श्रावक ने आकर के साथ भेंट किया। अब बड़ी महाराज हमें साथ भेंट कर दिया, मुंडा जिज्ञासा से देखने लगी बगल की, उन्होंने उठा करके उनको ये नहीं कही हमें तो पढ़ लेंगे, वह हमें तो देख लेंगे, कहा देखें ये पढ़ रहे है, अपना ज्ञाय भाव तो है नहीं, देखने योग्य तो हमारा ज्ञाय भाव, तुम्हें जरूरत जाओ तुम ले जाओ, हम अपने आत्मा को दे देंगे। इसका नाम संतोष है, ये नहीं है अगर हमने देखनी पाओ तुम्हें दे, अखबार से जीना जपी करते लो, जिनवानी तो बहुत बड़ी बात है, अखबार की जीना जपी करेंगे, हमें दे दे एक पन्ना, हमें दे एक कमरे, अरे भाई विचार तो करो, संतोष ही पुनर्तन बन जाए, और देखो ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां उछलती हैं, जहां ज्ञान होता है वहां संतोष भी होता है, सुख भी होता है, प्रभुता भी होता है। एक शब्द हम शास्त्री बोले सर्वगुणान समय से है, पढ़ा सर्वगुणान समय से, ऐसा नहीं है समय दर्शन तो है और समय ज्ञान नहीं है, समय ज्ञान तो है और वैराग्य नहीं है, और वैराग्य तो है तो सुख नहीं है, सुख है प्रभुता नहीं है, नहीं असंभव, असंभव। जहां एक होता है वहां सब आ गए, आत्मा ऐसा है कि समझो, अपने याद होगा सुनी होगी ऑल इन वन, आत्मा ऐसा है ऑल इन वन, एक में ही सब है, एक माई एक राजे एक माए अनेक नो, एक अनेक नहीं संख्या रम से गिरन, और मम स्वरूप है सिद्ध समा। आत्मा मिलेगा तो संतोष भी मिलेगा, और संतोष होगा तो गुण रतन भंडार। गुण कहते हैं निर्मल परिणमन को, वो गुण पर वादा नहीं लेना प्रवेश का वाली, जो संपूर्ण भाव संपूर्ण अवस्थाओं में वो यहां मत करना। अरंत के गुण क्या है, आचार्य के गुण, साधु के गुण, मूलाचार में कहा गुण माने प्रधान आचरण, गुण माने प्रधान आचरण, संतोषी गुण रतन भंडारी, जहां संतोष होता वहां क्या नहीं होता, जो नहीं होना चाहिए वही नहीं होता, जहां संतोष है वहां क्षमा भी होती है, सरलता भी होती है, संतोषी जी विनयवान होगा अहंकारी नहीं होगा, संतोषी गुण रतन भंडारी, गिन नहीं जा पाओगे तुम, सोच नहीं पाओगे कितने गुण है, आत्मा के अनंत गुण है, अनंत के भी अनंत गुण है, केवल के ख्याल गुण का ख्याली तो कह गए, वास्तव में ये परम सुगुण है अनंत भी, केवल के चालीस गुण कमी कहने के हैं, वास्तव में
अनंत आत्मा के गुण हैं और ज्ञानी सम्यक दृष्टि श्रावक के भी अनंत गुण हैं, मुनिराजों के भी अनंत गुण हैं और भगवंतों के भी अनंत गुण हैं। ऐसी कोई परिणति नहीं है जो अशुद्ध है, सर्व गुणान सम्य। क्या नहीं मिला तुम्हें? जिसके हृदय में संतोष आ गया उसको क्या नहीं आया? एक विद्यार्थी पढ़ने वाला और कहीं चक्कर में पड़ गया, वह लड़की बोली कछ गया राजा किया। राजा पहली निगाह में दिखने वाले जीव को कुछ दान देता है तो अपन चले यहां से। अब बिना आधार के कैसे चलेंगे, कैसे भगेंगे? लड़का पहुंचा, अब वो चोर तो था नहीं और अंधेरे में ही चल दिया, इतना उतावलापन है। अज्ञान में उतावलापन होता है, ज्ञान में धैर्य होता है। समझ गए? कहा भाई अज्ञान में उतावलापन होता है, ज्ञान में धैर्य होता है। अज्ञान में आश्चर्य होता है, ज्ञान में आनंद होता है। अज्ञान में जिज्ञासा होती है और ज्ञान में समाधान होता है। आगे का है जे दिखे, जामे का जे नहीं दिख रहे। आगे का लोग पुराणों को ऐसे पढ़ते हैं, आगे का है कथा 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 पढ़ ली और उपदेश उपदेश छोड़ दिया। अरे उपदेश के उपदेश को कथा के माध्यम से कहा था तो तुमने छोड़ दिया तो और क्या किया? अंधेरे में चल दिया वो विद्यार्थी। और संयोग की बात पहली रात जग चौपन्नी हो गई, वो जाकर के राजा की पलंग के नीचे छिप गया। पलंग के नीचे छिप गया, उसको पकड़ लिया, बंद रखा, सवेरे राजा के सामने लाए। भाई तुम कौन हो, कैसी आए हो, काय के लिए आए हो यहां? विद्यार्थी ने निश्चल भाव से सब कुछ बता दिया। राजा प्रसन्न हो गया, बोले हम तुम्हारी निश्चलता से बहुत प्रसन्न है, तुम्हें जो मांगना हो तो मांगो। ओ विद्यार्थी जो मांगने गया था, बोले साहब समय दो थोड़ा, सोच ले का मांगना। बोले ठीक है, क्या बैठो और सोचो, बंधन नहीं है तुम्हारे लिए, तुम सोच लो और हमें जवाब दे दो, उसको ही हम देते हैं। अब विद्यार्थी की तृष्णा बढ़ने लगी और सोचने लगा क्या मांगे, और अंत में ये सोचा आधा राज्य मांगे तो। और तृष्णा बढ़ते बढ़ते पूरा राज्य मांगे तो राजा ने कही है आपका, राजा मुकर तो सकता नहीं। थोड़ी देर में उसका विवेक जागा, अविवेक में चाह होती है, विवेक में संतोष होता है। उस विद्यार्थी ने अरे राजा हमेरे ऊपर प्रसन्न है और राजा कह रहा क्या मांगो तुम, और हम बात राजमान ने बात बेकारी बना ली, ये तो बात ठीक नहीं। ये राजा की सज्जनता का दुरुपयोग है, सदुपयोग तो नहीं। और सोचे सोचे अगर नगर से एक राजा के चरणों में झुकता है तो राजा भी योगीश्वरों के चरणों में, अकिंचन निर्गंत मुंडाजों के चरणों में झुकता है। मुंडाजी क्यों ना हो सके? सोचते सोचते उसका चित्र बदल गया, विद्वान अच्छा होता है मूर्ख मित्र से। राजा ने कहा सोच लिया महाराज, सोच लिया
अब हम उस मार्ग पर जाते हैं जहां कोई याचना नहीं है, जहां कोई कामना नहीं। निष्काम मार्ग पर हम जा रहे हैं आशीर्वादों का। इस मार्ग पर हम दृढ़ रहे, इस मार्ग में संतुष्ट रहे, इस मार्ग पर निष्कलंक चलते रहे, बढ़ते रहे। सुनो सुनो सुनो, हमारे कोई अरे आप सुन रही, हमें उन योगीश्वरों की याद आई है, उन गुरुओं की याद आई है जो बिना किसी वैभव के वैभवान, बिना भोगों के सुखी हैं, बिना इंद्रियों के जानते हैं। उसी मार्ग पर मैं भी जा रहा, जाकर के भी चल संतोषी गुण समझ लेना। उत्तम शौच धर्म का प्रसंग क्या करना है, पूरा तो आप करोगे, हमने कहा था आप, हम तो इशारा करेंगे, प्रेरणा करेंगे केवल, बात बंकी पूरा तो आपको करना। बैठो, जिन वाणी का स्वाध्याय करो, आत्मा का अनुभव करो।